मैं डॉक्टर संजय वडेसरा, स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ, पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल रोहतक में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे एक अंडेदानी के कैंसर के मरीज की जानकारी साझा करना चाहता हूँ। इनको कुछ समय से अफारे की शिकायत थी, तो ये हमें दिखाने के लिए आए। हमने देखा कि इनके अल्ट्रासाउंड में बच्चेदानी में गांठें हैं, और उसके लिए हमने इनके ब्लड टेस्ट, रेडियोलॉजी के टेस्ट तथा बायोप्सी करवाई। उसमें इनके अंडेदानी का कैंसर होने की पुष्टि हो गई। इसके बाद में हमने इनकी स्टेजिंग लेपरोटमी, जो अंडेदानी के कैंसर के लिए सर्जरी होती है, वो की, और अब मरीज को कीमोथेरेपी स्टार्ट की है। अगर इनमें से आपको कोई भी शिकायत हो, जैसे कि भूख कम लगना, सांस में तकलीफ होना, पेट में अफारा आना, लैटरिंग और पेशाब में प्रॉब्लम होना तथा अल्ट्रासाउंड में अंडेदानी में गांठें होना, तो आप कैंसर के डॉक्टर से उचित परामर्श लें। मेरा नाम सुनीता देवी है, मैं बालोट के अमरने वाले। मेरा पहले तो कोई भी दिक्कत, 10 दिन भीतर पेट में दर्द होने लगा, नाले दो रही थोड़ा थोड़ा, मैं दर्द की कोई लेते रही, आराम होता रहा, फिर अफारा बनना शुरू हो गया। अफारा बहुत ज़्यादा बन गया, तो हमने एक बड़ा भरा डॉक्टर दिखाया, उन अल्ट्रासाउंड में बता दी भी मैं दिक्कत है। फिर हम इस डॉक्टर के पास आ गए। इस डॉक्टर के पास आने के इसने देखा, अपना टेस्ट कराई, इसने भी यही दिक्कत बताई। हम कई जगह बूझी थी, उससे हमने सबसे बढ़िया ही हुए डॉक्टर लग गया। खर्चे के एक में भी सबसे बढ़िया लगा, घर खूब बढ़िया ऑपरेशन कर दिया, मेरा तो जब पास में सही। मेरा नाम मेनका है, हम गांव बालोट के रहने वाले हैं। मेरी मदर इन लॉ को थोड़े दिन पहले पेट में दर्द हुआ था, उफारा आ गया था, तो उनको हम प्राइवेट डॉक्टर के पास लेकर गए थे। उन्होंने बताया कि अल्ट्रासाउंड करवाओ। अल्ट्रासाउंड में उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत है और आप जो है इनको कैंसर के किसी चिकित्सक के पास लेकर जाइए। हमने बहुत ज़्यादा पूछताछ की तो पता चला कि रोहतक में इकलौते गायनी के ऑन्कोलॉजिस्ट संजय बडेसरा सर ही हैं, तो हम यहाँ पर आए। तो इन्होंने फिर बताया कि इनको अंडेदानी का कैंसर है और वो थर्ड स्टेज सी पर था। फिर इन्होंने यहाँ पर ऑपरेट किया। ऑपरेशन करने के बाद मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक है। पहले तो ये कुछ भी खाना बिल्कुल बंद हो गया था, अब खाना भी बहुत अच्छे तरीके से खा रहे हैं, डाइट चार्ट इनका बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और संजय सर ने जैसे बताया था कि रिकवरी ऐसे ऐसे फास्ट होगी, वैसे ही हो रही है, और इन्होंने एक जायज़ रेट में जो है ऑपरेशन किया है। हमने जहाँ भी बार 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 हम पूछते भी रहे कि कितना खर्चा आएगा, कहाँ से, अलग अलग जगह हमने पूछा, तो सबसे ज़्यादा कम इन यहाँ पर ही हुआ है और बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है।